Hello, welcome to Arvind Singh Academy. Myself Arvind Singh, and here I am before you to discuss acid, base, and salt. This is the lecture number 3. I hope you have already watched part 1 to part 2 before watching part 3. तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंडिकेटर्स के बारे में सबसे पहले, उसके बाद पीएच के बारे में बात करेंगे और फिर पीएच के एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे. तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? व्हाट इज इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स आर दोज सब्सटेंस व्हिच चेंजेस देयर ऑर्डर और कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन. सो इफ दे पुट इन एसिडिक सॉल्यूशन दे विल चेंज द कलर एंड इवन ऑर्डर आल्सो. And if put in basic solution, then their color will be different. The basis of the color changes by the substance. We can find that whether the solution is acidic or basic. तो indicators इन्हीं को कहते हैं. और indicators के बारे में और क्या है detail, वो सारा सीखते हैं. सबसे पहले what is indicators? Indicators. What are indicators? So indicators are those substances. Indicators are those substances which changes its color or order when they put into acidic or alkaline solution, that is basic alkaline solution. ठीक है, सो अल्कालाइन सॉल्यूशन, एसिडिक और अल्कालाइन सॉल्यूशन. तो ये है इंडिकेटर्स. अब ये इंडिकेटर्स कितने तरीके के होते हैं और क्या है, यानी इसके कलर या ऑर्डर चेंज हो जाएंगे तो हम उसको कहते हैं इंडिकेटर्स, जिससे इंडिकेट कर देगा कि ये एसिड है कि बेस है. अब ये इंडिकेटर्स कितने तरीके के होते हैं जरा ये देखिए. इंडिकेटर्स आर बेसिकली थ्री टाइप्स. यहाँ पे इंडिकेटर्स की हम बात करें तो सबसे पहले कहेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स. व्हाट आर दोज इंडिकेटर्स? आर नेचुरल इंडिकेटर्स. नेचुरल इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स सेकेंड वन इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड द लास्ट वन इज ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. ये तीन तरह के इंडिकेटर्स होते हैं. अब नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन से? सबसे पहले ये समझते हैं कि नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन से. तो इसमें है लिटमस, चाइना रोज एंड टर्मरिक. दीज आर नेचुरल इंडिकेटर्स, राइट ना? दीज आर नेचुरल इंडिकेटर्स. व्हाट आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स? तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो उसमें है सो मिथाइल ऑरेंज. सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोल्फथलीन. दीज आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स. Methyl red are also synthetic indicators. They will change. These are chemical substance which changes color
changes its color, changes its color in acidic or basic medium, acidic or basic medium, basic medium. ठीक है. Olfactory, what is this? These are indicators which changes their order, changes their order. For example, what are those synthetic indicators? Let me write the name, like onion, vanilla, vanilla, onion, clove. These are olfactory indicators. Clove. They changes their order. They changes their order. Changes their order in order in acidic or basic medium. In acidic or basic medium. बेसिक मीडियम. तो ये ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स होते हैं. अभी किस तरह से कलर चेंज करते हैं बारी बारी से इनकी बात करते हैं. तो सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर की बात करते हैं. नेचुरल इंडिकेटर्स व्हाट दे आर डूइंग. सो इन दिस वी कैन से देयर सब्सटेंस चेंजेस कलर इन एसिडिक एंड इन बेस. So indicators, natural indicators, indicators, let me write, indicators, natural indicators, indicators, and their original color, color, and color in acid. And color in base, color in base, basic medium. So let me write this, make the columns for this, and I can say the red litmus. First one is red litmus, red litmus, blue litmus, litmus. Turmeric, turmeric, and red cabbage, cabbage juice, and then China rose, China rose. इनके बिहेवियर के बारे में हमें सीखना है. रेड लिटमस ओरिजिनली कौन से कलर का होता है? ऑफ कोर्स रेड कलर का होता है, तभी तो रेड लिटमस नाम है. ये ब्लू कलर का होता है, इसमें कोई टेंशन नहीं है. टर्मरिक जो होते हैं येलो कलर के होते हैं. रेड कैबेज जो होता है वो पर्पल कलर का होता है, पर्पल, पर्पल कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है. और ये जो होता है वो चाइना रोज, ये रेड कलर का होता है. जब इनके बिहेवियर एसिड और बेस में कैसे होते हैं, ठीक है, रेड कलर का. अब रेड लिटमस को अगर एसिड में रखेंगे तो क्या होगा? ब्लू हो जाएगा. और इसमें कोई चेंज होगा क्या? यहाँ पे एसिड में रेड लिटमस का नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा. लेकिन यहाँ पे रेड लिटमस क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा. इसी तरह से आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ब्लू लिटमस है इसमें यहाँ पे हो जाएगा रेड, और यहाँ पे नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, राइट. टर्मरिक येलो है, ये क्या होगा? सो हियर अगेन नो चेंज. एंड रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर हो जाएगा यहाँ पे टर्मरिक. नो चेंज का मतलब येलो येलो ही रहेगा, और यहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा. इसमें अगर टर्मरिक को हम एसिड में डालें तो क्या? तो इसमें एसिड में डालेंगे तो ये रेडिस रहेगा, कलर रेडिस रहेगा, और यहाँ ग्रीनिश येलो हो जाता है, ग्रीनिश येलो, ये कलर हो जाता है.
तो ये याद रखने हैं कुछ चीजें आपको। डार्क पिंक चाइना रोज इन एसिड विल बी डार्क पिंक और मैजेंटा, मैजेंटा कलर कह सकते हैं या डार्क पिंक कह सकते हैं, और डार्क पिंक ये हो जाता है इस एसिड में, और बेस में इसकी वो ग्रीन कलर की हो जाती है, ग्रीन कलर का हो जाता है। तो इस तरह से नेचुरल इंडिकेटर्स अपने कलर बदलते हैं, और इस नेचुरल इंडिकेटर्स की वजह से, कलर चेंज होने की वजह से हम समझ जाते हैं कि जो सॉल्यूशन हमें दिया गया है वो एसिड है कि बेस है। अब बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर की। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स में क्या क्या है? सिंथेटिक इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स इसमें जो इंडिकेटर्स हैं हम उनकी बात करते हैं पहले। इंडिकेटर्स कौन कौन से सिंथेटिक हैं हमारे पास और उनकी कलर कैसे चेंज होती है, ठीक है। ओरिजिनल कलर क्या होता है, ओरिजिनल कलर क्या होता है, कलर इन एसिड, इन एसिड क्या होता है, इन एसिड एंड इन बेस क्या होता है, इन बेस बेसिक मीडियम क्या होता है, अल्कालिन क्या होता है। तो इसमें भी हम जो अभी बात किए थे कि एक फिनोल्फथलीन होता है, एक मिथाइल ऑरेंज होता है, जो हमारे पास क्या है, ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स है, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फथलीन। ये जो दो हैं इनके कलर कैसे होते हैं, ओरिजिनल कलर क्या होता है और ये किस तरह से चेंज करते हैं ये सीखते हैं। जैसा कि नाम है मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज रहता है कलर का, ऑरेंज कलर का रहता है, और ये जो एसिड में डालने पर रेड हो जाता है और बेसिक में डालने पर येलो हो जाता है, राइट। तो इस तरीके से ये रेड और येलो होता है, रेड को रेड से ही लिखते हैं तो बेहतर है, रेड, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज जो है वो ऑरेंज कलर का ओरिजिनली होता है, एसिड में डालने पर रेड हो जाता है और बेसिक में डालने पर येलो हो जाता है। फिनोल्फथलीन जो होता है ये कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता, कलरलेस, ये एसिड में डालने पर भी कलरलेस ही रहता है, कलरलेस रहता है, लेकिन बेसिक में डालने पर ये पिंक कलर का हो जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं फिनोल्फथलीन। तो बेस में डालने पर किस कलर का हो जाता है, पिंक कलर का। तो ये जो है ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं जो कि यूजुअली यूज किए जाते हैं, और ये आपको जानना है, ठीक है। इसके अलावा जो ऑल्फैक्टरी होती है इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, फैक्ट्री इंडिकेटर्स, इनके जो हैं वो क्या होते हैं, इनके जो स्मेल होती है वो चेंज हो जाती है। जैसे ओनियन और वनीला है, ये एसिड में तो इनकी स्मेल चेंज नहीं होती, लेकिन बेस में जाने पर वैनिश स्मेल आती है इससे। इस तरह से ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो हैं वो काम करते हैं। इसमें ऑनियन जैसा कि हमने पहले बताया, वनीला, वनीला और क्लोव जो है वो मेन इंडिकेटर्स है, वनीला एंड क्लोव, क्लोव ये दीज आर द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। और इसमें जो है स्मेल, द चेंजेज देयर स्मेल, स्मेल चेंजेज, चेंजेज इन बेसिक मीडियम, अल्कालीन मीडियम, अल्कालीन मीडियम, अल्कालीन मीडियम, ठीक है। तो ये आपको जानने थे, ऐसी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है जो इंडिकेटर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं पीएच की। तो व्हाट इज पीएच, पीएच स्केल, इसमें ये जो पी है ये छोटा होता है, पीएच ऐसे। व्हाट इज दिस पोटेंज, पी स्टैंड फॉर पोटेंज, दिस पी स्टैंड फॉर पोटेंज, पोटेंज मीनिंग इज पावर, ये जर्मन लोगों का वर्ड है पोटेंज, इसका मतलब होता है पावर। और एच होती है हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, राइट। तो ये पीएच में से, और स्केल मतलब यूज टू मेजर,
measure the solution. ठीक है, एसिडिटी ऑफ सॉल्यूशन, एसिडिटी ऑफ सॉल्यूशन यूज टू मेजर एसिडिटी ऑफ सॉल्यूशन, यूज टू मेजर एसिडिटी ऑफ सॉल्यूशन, एसिडिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो इसलिए इसको स्केल कहते हैं। तो ये पीएच स्केल होता क्या है, व्हाट इज पीएच स्केल? तो ये हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बताता है। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? सो पीएच इज डिफाइंड एज, द निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन राइट, निगेटिव ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज इक्वेशन में आप ये लिख सकते हैं कि पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, दिस इज कॉल्ड दिस, एंड इट्स वैल्यू रेंजेज फ्रॉम पीएच, द वैल्यू ऑफ पीएच इज अ नंबर lying between where to where, 0 to 14, 0 to 14. So highest is 14, lowest is 0. The pH which has 0 is called hydrochloric acid. जो बीच में होता है उसको कहते हैं न्यूट्रल, यानी पीएच जो हो वो अगर 7 हो तो इसे हम कहते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन, को क्या कहते हैं? न्यूट्रल, न्यूट्रल। और अगर पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा होने लग जाए, यहाँ 14 तक हो, तो ये इसकी बेसिक, इसको बेसिसिटी बढ़ती जाती है, बेसिसिटी इंक्रीजेज दिस साइड, यानी बेसिक होने का करेक्टर इंक्रीज करने लग जाता है, इंक्रीजेज, बेसिसिटी इंक्रीजेज, इंक्रीजेज, जैसे जैसे ये पीएच की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बेसिसिटी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे इधर पीएच की वैल्यू कम होती जाएगी एसिडिटी इंक्रीजेज, एसिडिटी इंक्रीजेज दिस साइड, यानी इस तरफ से एसिडिटी इंक्रीज करेगा, जीरो हो जाएगा तो मिनिमम हो जाएगा, और जीरो किसका होता है, आपको बताया था मैंने, याद है? यस, जीरो कहते हैं किसकी एसिडिटी होती है, एचसीएल की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की होती है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की होती है, क्लोरिक एसिड, और ये बेसिसिटी मैक्सिमम किसकी होती है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की होती है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको बताई गई है, ये होता है पी। प्योर वाटर जो होता है वो होता है न्यूट्रल, बिकॉज इसमें एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस, फ्री आयंस नहीं होते, इसलिए ये न्यूट्रल होता है। रिमेम्बर दिस पॉइंट, प्योर वाटर इज न्यूट्रल एज बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस। ठीक है, रिमेम्बर दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन। नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, राइट, वी विल लर्न इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ क्या है। So first thing, every living body has some pH. So pH of living bodies are between 7 to 7.8. ये रहता है, ठीक है,
एसिड रेन होता है तो रिवर की जो एसिडिटी है वो थोड़ा कम हो जाती है। रिवर एसिडिक, रिवर वाटर एसिडिक इसलिए होता है थोड़ा, क्योंकि उसमें एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, तो उनके होने की वजह से उसका वाटर जो होता है वो थोड़ा एसिडिक हो जाता है। लेकिन अगर 5.6 से कम हो जाए उसका पीएच, तो उसमें जो एनिमल्स हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, उनके सर्वाइवल मुश्किल हो जाते हैं। सो पीएच ऑफ रिवर ड्यू टू एसिड रेन, ड्यू टू एसिड रेन पीएच ऑफ रिवर वाटर वाटर डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग इफ इट इज लेस देन 5.6, देन एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स फाइंड्स डिफिकल्टी फॉर सर्वाइवल सर्वाइवल राइट। ये एक दूसरी बात हो, एवरी प्लांट्स प्लांट्स रिक्वायर्स स्पेसिफिक पीएच पीएच फॉर इट्स हेल्दी ग्रोथ हेल्दी ग्रोथ एंड देयर फोर मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हैज देयर ओन लैब इन विच दे टेस्ट द पीएच ऑफ सॉयल फॉर पर्टिकुलर क्रॉप एंड दे सजेस्ट दैट व्हाट द फर्टिलाइजर्स टू बी यूज फॉर डेवलपमेंट एंड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ पीएच और इफ पीएच इज मोर देन व्हाट द सुटेबल फर्टिलाइजर फॉर दिस सॉयल फॉर पर्टिकुलर क्रॉप। सो इस तरीके से क्या करते हैं कि उसकी पीएच पहले मेजर करते हैं, तो हर एक स्पेसिफिक प्लांट के लिए क्रॉप के लिए स्पेसिफिक पीएच चाहिए होता है। पीएच की वैल्यू बढ़ाते और घटाते हैं डिफरेंट फर्टिलाइजर्स का यूज करके। ठीक है, यू नो द व्हेन वी ईट समथिंग और इन आवर स्टोमेक एचसीएल रिलीजेज एंड एचसीएल इज व्हाट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो ऑफ कोर्स दिस इज एसिडिक सो दे हैव सर्टेन पीएच, अगर एसिडिक है तो उसके पीएच तो होंगे जीरो। और इस तरह का ये क्या करता है, हेल्प करता है डाइजेशन में। लेकिन अगर ये HCl की अमाउंट जो है वो बढ़ जाए तो एसिडिक बिहेवियर हो जाएगा, हमारा स्टोमेक में जो होगा वो एसिडिक होगा और हमें खट्टे डकार आने शुरू हो जाएंगे और फिर हमें इरिटेशन होने लग जाएगी और फिर तरह तरह की पेट स्टोमेक पेन होने लग जाएंगे। तो इफ HCl पीएच ऑफ HCl इन डाइजेशन HCl is helpful in two ways, right? Now, one, it kill the bacteria which will coming from the outside along with the food, and second, it will help the digestion. So HCl is very helpful. HCl is helpful in digestion. In digestion, HCl is helpful and have certain range of pH. Certain pH. ठीक है? If the amount of pH, if the amount of acid increases, then acidity occurs. Acidity increases, which cause irritation, vomiting even, you know, stomach pain, etc. राइट ना? तो इसको करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज किया जाता है। सो एंटासिड
दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया इसको कहते हैं, मैग्नेशिया यूज्ड टू डिक्रीज द एसिडिटी, एसिडिटी। आप यू नो जो पीते हैं जब एसिड होता है, किसी को देखे होंगे खट्टे डकार आते हैं तो लोग इनो पीते हैं। इनो में क्या होता है, ये इंट एसिड होती है जो उसकी एसिडिटी को कंट्रोल करता है, कम करता है और उसके इफेक्ट को घटाता है। तो इस तरीके से हमारे डाइजेशन में भी पीएच का बहुत बड़ा रोल है, राइट। हमारे बॉडी के अंदर पीएच रहता है, लिविंग बॉडी के अंदर। अगर माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाए, ठीक है, इफ द पीएच वैल्यू, इफ द पीएच ऑफ माउथ डिक्रीजेज एंड बिकम लेस देन 5.5, देन टूथ एनामेल डिक्रीजेज, देन देयर इज ए प्रॉब्लम इन टूथ, देन डिके ऑफ टूथ एनामेल हैपेंस, बिगिंस, राइट ना। जैसे जैसे ये होगा, पीएच अगर इससे कम होना चले, पीएच कम होने से क्या होगा, डीके ऑफ टूथ एनामेल बिगिन। क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं और खाने का कुछ पोर्शन रह जाता है तो बैक्टीरिया उस पे काम करते हैं और वो बैक्टीरिया डेवलप होने की वजह से माउथ में एसिडिटी बढ़ जाती है और ये एसिडिटी बढ़ते बढ़ते अगर 5.5 से कम होने लग जाता है तो टूथ एनामेल डीके होना शुरू हो जाता है, दांतों में दर्द होने लग जाती है, दांत टूटने लग जाते हैं और इसमें गड्ढे होने शुरू हो जाते हैं जो दांत के अंदर होता है, और इसमें गड्ढे होने शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से पेन होना शुरू हो जाता है, उसमें फूड फंस जाते हैं और उसकी वजह से परेशानी होती है। तो इस तरीके से पीएच का हमारे माउथ पे भी बड़ा इम्पैक्ट है और ये आपको याद रखना चाहिए। When insect like honey bee, ant etc. bite, then they leave some acid in our skin and that will cause irritation, pain etc. So when insect like honey bee, ant, when insects like honey bee, ant etc. bite, it leaves acid in the skin which cause irritation and pain. So अब ये पेन से रिलीफ करने के लिए क्या करते हैं, कुछ बेस लगाते हैं। So if baking soda is used in affected area, it gives a relief, ठीक है, ये होता है। तो ये सब तरीके हैं कि आपको पीएच का क्या यूज होता है, क्योंकि एसिड छोड़ देने से हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा पीएच आ जाता है और एक्स्ट्रा पीएच आने से उस एरिया में एक्स्ट्रा पीएच होने की वजह से इरिटेशन होती है और पेन भी होता है, ठीक है। तो स्टिंगिंग हेयर नेटल्स लीव्स methanoic acid in skin and therefore it causes irritation, same thing, irritation and pain as well.
यहाँ पे भी वही कर सकते हैं कि हम बेकिंग सोडा लगा सकते हैं या कोई और बेस लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेस क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। तो इस तरह से पीएच का हमारी लाइफ में भी बहुत यूज है और हम उस यूज को नकार नहीं सकते। हमारी एवरीडे लाइफ में पीएच का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। तो इस तरीके से पीएच का हमारे एवरीडे लाइफ में इस्तेमाल होता रहता है और आपको ये बात जाननी चाहिए, याद रखनी चाहिए। दो तीन बार पढ़ लेंगे आप तो आपको ये सारी बातें दिमाग में आ जाएगी। ऐसी कोई इसे रटने वाली बात नहीं है और आप जब इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे तो आप एवरीडे लाइफ में यूज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी के साथ कुछ कॉमन यूज के बारे में बात कर लेते हैं। एसिड का जो कॉमन हमारी प्रिकॉशंस होनी चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कॉमन फेनोमेना है। जैसे कहते हैं कि ब्रास या कॉपर में आपको एसिडिक चीज यानी खट्टे चीज लाइक कर्ड, पीकल, ये सब नहीं रखने चाहिए। क्यों नहीं रखने चाहिए? क्योंकि ये जो है कॉपर जो है वो एक मेटल है और ब्रास में भी मेटल होता है। तो कॉपर और ब्रास, ब्रास वैसे मेटलॉइड है बट उसमें भी कॉपर होता ही होता है। ये कॉपर जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं जो पॉइजनस सॉल्ट होता है। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि आपको कोई भी कर्ड, कर्ड पीकल इस तरह का कोई खट्टा जो आइटम है वो किसी भी ब्रास या कॉपर के पॉट में नहीं रखने चाहिए, बर्तन में नहीं रखने चाहिए। ये एक एग्जाम्पल है जो आपको समझना चाहिए। दूसरा, कई बार पूछते हैं कि एचसीएल तो गैस है और एचसीएल जो है वो गैस भी होती है और एचसीएल जो होता है वो लिक्विड भी होता है। तो अगर एचसीएल लिक्विड में हम किसी लिटमस पेपर को ले जाएंगे तो जो एसिड का बिहेवियर होता है वो उसकी वजह से वो चेंज हो जाएगा, है ना। तो हमने ये सीखा है कि एसिड में रेड लिटमस अगर हम लेके जाएंगे तो ब्लू लिटमस लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये कहते हैं कि ड्राई एचसीएल अगर हो और उसके साथ ड्राई लिटमस पेपर लेके जाए तो कोई चेंज नहीं होता। क्यों? तो आपका जवाब होना चाहिए कि चूंकि एचसीएल, ड्राई एचसीएल में कोई हाइड्रोजन आयन नहीं होता इसलिए ये जो है वो एसिडिक बिहेवियर को नहीं शो करता और इसलिए ब्लू लिटमस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ड्राई लिटमस पेपर पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसमें कोई हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन अलग से एच प्लस आयन होता नहीं है। एच प्लस आयन जब तक नहीं देगा कोई भी सॉल्यूशन तब तक क्या है, वो एसिडिक नहीं है। ये बात दिमाग में होना चाहिए, डेफिनेशन नहीं बताई थी तो इस तरीके से ये बात को भी दिमाग में रखना चाहिए। एक दूसरा सवाल दिमाग में यूजुअली आता है कि एसिड जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करता है। तो चूंकि एसिड को हम जब इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो करते हैं तो वो कॉन्सेंट्रेशन जो होती है उसके अलग अलग हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाता है। बिकॉज ऑफ दिस आयोनाइजेशन एच प्लस आयन में ब्रेक हो जाता है और उसलिए वो आयोनाइज होने की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। आयोनाइज होने का मतलब ये है कि उसमें फ्री आयन्स होते हैं और फ्री आयन जो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो चार्ज को कैरी करते हैं। तो चार्ज को कैरी करते हैं, कटायन से एनायन की तरफ ले जाते हैं और इस तरीके से जो होता है इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है ना। तो इसलिए एसिड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। एसिड जो होता है वो अपना एसिडिक बिहेवियर तब तक शो नहीं करता जब तक उसको वाटर में ना मिलाया जाए। वाटर में मिलाने के बाद भी या वाटर होने के साथ ही उसकी एसिडिक बिहेवियर को पहचाना जा सकता है क्योंकि वाटर में एसिड को डालने से हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होती है, हाइड्रोजन आयन में स्प्लिट हो जाता है। इक्वस सॉल्यूशन में आपको एसिड के डेफिनेशन में ही बताया था कि इट फर्निशेज एच प्लस आयन एंड देयरफॉर ऑन द बेसिस ऑफ दिस इट शोज एसिडिक बिहेवियर। अदरवाइज अगर वाटर नहीं हो तो एसिड का एसिडिक बिहेवियर आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। तो ये भी बात एक का ध्यान देने। फ्रेश मिल्क जो होता है उसका पीएच जो होता है वो 6 होता है लेकिन जब उसे हम कर्ड बनाते हैं तो थोड़ा एसिडिक हो जाता है इसलिए उसकी पीएच जो होती है वो लेस देन 6 हो जाता है। तो ये बात ध्यान रहे आपको कि कर्ड में कन्वर्ट करने पर मिल्क की एसिडिटी बढ़ जाती है इसलिए उसका पीएच चेंज हो जाता है और वो 6 से थोड़ा कम हो जाता है। एक और क्वेश्चन यूजुअली कोई कोई पूछ देता है कॉमन सेंस में कि आप बताइए कि डिस्टिल वाटर डजन डजन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट एसिड वाटर डू, व्हाई।
डिस्टिल्ड वाटर जो होता है प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उसमें कोई आयंस फ्री आयंस नहीं होते, बिकॉज इज ऑब्सेंस ऑफ फ्री आयंस इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज की इलेक्ट्रिसिटी के चार्ज को कैरी करने वाला कोई फ्री आयंस नहीं होता। तो इसमें चूंकि फ्री आयंस नहीं होते डिस्टिल वाटर में, इसमें डिसोसिएशन नहीं होती एच प्लस और ओ एच माइनस आयन में, तो इस तरीके से इसमें क्या होता है कि फ्री आयंस नहीं होने की ऑब्सेंस ऑफ बिकॉज ऑफ ऑब्सेंस ऑफ फ्री आयंस इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। व्हाइट एसिड रेन में एसिड वाटर जो होता है या रेन वाटर जो होता है, रेन वाटर में थोड़ा सा सल्फाइड के और नाइट्रोजन ऑक्साइड के जो होते हैं पार्टिकल्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये जो है उसको ब्रेक कर देते हैं, आयंस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बिकॉज ऑफ द फ्री आयंस प्रेजेंट इन दिस रेन वाटर इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो रेन वाटर प्योर वाटर नहीं होता, इसमें थोड़ा सा कुछ न कुछ सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड के पार्टिकल्स होते ही होते हैं, इसलिए इसकी थोड़ी एसिडिटी भी होती है और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है फ्री आयंस प्रेजेंट होने की वजह से। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जनरली जनरली हम इंटरव्यू में टीचर से पूछते हैं कि डू यू थिंक दैट दिस हैज एच प्लस आयन, तो इसका जवाब है यस, एच प्लस आयन होता है। तब सवाल ये होता है कि व्हाई इफ देयर दे हैव एच प्लस आयन देन व्हाई दे आर कॉल्ड बेसिक, व्हाई नॉट एसिडिक, बिकॉज इफ इट फर्निचेस एच प्लस आयन देन इट मस्ट बी एसिडिक, व्हाई इट इज कॉल्ड बेस। तो जवाब ये है कि एच प्लस आयन होते हैं बट इतने ज्यादा नहीं होते जितने ज्यादा ओ एच माइनस आयन होते हैं, बिकॉज ओ एच माइनस आयन यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस इज मच हायर देन एच प्लस आयन, एंड देयर फोर बिकॉज ऑफ द मेजोरिटी, इंडिया में डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी है, वही डेमोक्रेसी वहां भी है कि ओ एच ज्यादा होने की वजह से, ओ एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से वो बेसिक बिहेवियर को शो करता है और इसे बेसिक मीडियम माना जाता है, ना कि एसिडिक। सो ये सब बातें आपको दिमाग में रहनी चाहिए, और इसके बाद हम अगली क्लास में फिर बात करेंगे, और उस क्लास में सॉल्ट के बारे में बात करेंगे और कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट के और उसके सॉल्ट के पीएच के बारे में बात करेंगे और कुछ और बातें होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस ऑल, एंड गॉड ब्लेस, कीप वॉचिंग एंड बी हैप्पी ऑलवेज, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।